नमस्ते आंटी जी। सत श्री अकाल। आप लोग बैठिए यहाँ पे। आए जी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हैव अ सीट सो हम बिडिंग स्टार्ट कर सके। ओह एक्सक्यूज मी मैया, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया एंड आई एम ग्लैड कि आप फिजिकली यहाँ आए इस प्रॉपर्टी को देखने, ना कि किसी पीपीटी या फोटो में देखना चाहा। क्योंकि मेरी दादी माँ हमेशा कहा करती है कि किसी भी चीज़ को देखकर समझना चाहिए, और ये विश्वास करती हैं कि जो एहसास किसी चीज़ को सामने से देखकर होता है वो एहसास फोटो देखकर कभी नहीं आएगा। राइट दादी माँ? हमने ये होटल बहुत प्यार से बनाया एंड आई एम श्योर यहाँ के डिज़ाइन, यहाँ के इंटीरियर ने आपको एक क्लासी, एक यूनिक फील दिया होगा, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें इंटरनेट से कॉपी नहीं की गई है बल्कि 100% ओरिजिनल है। एंड आई कैन सी कि आप बहुत सुपर एक्साइटेड हैं इस बिडिंग को लेके, सो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। शैल वी? श्योर, थैंक यू सो मच। सो एज यू ऑल नो, इस होटल का बेस प्राइस है 250 करोड़। सो लेट्स स्टार्ट। 300 करोड़। Woohoo! 300 crores! 300 crores! 1! 300 crores! 2! 350 crores! 350 crores! Big number! 350 crores! 1! 400 crores! 400 crores! We have great bidders here! 400 crores! 1! 400 crores! 2! 450 crores! 450 crores! 450 crores! 1! 450 crores! 2! 500 crores. 500 crores. Wow, that's a great big number. 500 crores. 1. 500 crores. 2. And 500 crores. 3. And the deal is done. Yes. Deal goes to Mr. Wadia. 500 crores. Congratulations, Mr. Wadia. As you all know, कल ये होटल मिस्टर वारिया को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, पर आज की रात आप सब पार्टी एंजॉय करें। चीयर्स गाइस, चीयर्स। कंग्रेचुलेशंस। श्योर? ओके, थैंक यू। वेल डार्लिंग। नहीं, मैं भी नहीं पीती। ठीक है, आप सिर्फ एक मिनट आना, बात करनी। क्या हुआ? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मधु कुछ तेरे साथ एक छोड़ना है यार। हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट के लिए थे, प्रोजेक्ट खत्म, बात खत्म, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। इस पार्टी खत्म होगी फिर चलेंगे यहाँ से। Oh my God,
ये हो क्या रहा है? पर एक कम थी मेरी जान की दुश्मन, जब ये मधुलिका भी आ गई है, इसको भी मेरे संजय ही मिला था। कैसे देख रही थी वो घूर घूर के संजू को, मन तो कर रहा था कि उसकी आंखें फोड़ दूं मैं। अरे हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे संजू पे डोरे डालने की। और परी वैसे तो बड़ी समझदार बनी फिरती है, लेकिन अब क्या हो गया उसकी समझदारी को, समझ ही नहीं आ रहा उसे कुछ। अरे संजू की बीवी वो है ना इस वक्त, तो अपने पति को संभाल के नहीं रख सकती क्या? बोल देती ना कि मेरे संजू पर ऐसे नजर ना डाले, लेकिन नहीं, खड़ी है बुत बनकर बेवकूफ कहीं की। और संजू को क्या हो गया है? कम से कम उसे तो कुछ समझना चाहिए या नहीं? और उसकी भी कोई गलती नहीं है, जब वो मेरा प्यार ही नहीं समझ पा रहा तो ये क्या ही समझेगा। पर फिर भी उसे अच्छी और बुरी नजर का फर्क तो समझ में आना चाहिए या नहीं? जो भी हो, इसमें सबसे बड़ी गलती ना परी की ही है। मैं मधुलिका और संजू को तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन परी को तो कह सकती हूँ ना। वेटर, थैंक यू। I'm so sorry. Be careful, मधुलिका। कोई बात नहीं। I'm so sorry. मुझे नहीं पीनी चाहिए थी। मैंने क्यों पी? कोई बात नहीं। Thank you. क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ दोगे? अगर मुझे किसी ने ऐसे देख लिया ना, बहुत embarrassing हो जाएगा। मैं नहीं चाहती लोगों को पता लगे that I'm drunk. Please. ठीक है. चलिए, आराम से। राजीव कहाँ चले गए? यहाँ भी नहीं है। परी, जीजू कहाँ है? पता नहीं कहाँ चले गए। What? तुझे नहीं पता कि जीजू कहाँ है? पागल है तू? कौन सी बीवी इतनी आजादी देती है अपने पति को? पल्लू से बांध के रखा कर उन्हें। नहीं नीति, कोई बात नहीं, मुझे राशिव पर पूरा भरोसा है। भगवान, ठीक है, भरोसा है, कोई चक्कर नहीं है, कर ले भरोसा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दूसरी लड़कियों को जीजू पर डोरे डालने की परमिशन दे देगी तू। देखा नहीं तूने कैसे मधुलिका उन्हें देख रही थी? संभल जा थोड़ा अभी। नीति मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। दिस रूम क्या? आप यहां बैठ जाइए आराम से। प्लीज टेक केयर। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? What? Do you like me? ये सब आप क्या बोल रही हैं मिसेज आलूवालिया? Don't call me मिसेज आलूवालिया. Call me मधुलिका. Just मधु. तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनके बहुत अच्छा लगता है. Please tolerate. आप होश में नहीं हैं. क्यों? जो मैं फील कर रही हूँ वो तुम नहीं फील कर रहे। देखिए मैम, आप अपनी सेंसेस में नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कर क्या रही। आप प्लीज प्लीज हाथ उठाइए। मैंने कहा ना, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, प्लीज। दिस इज नॉट रॉन्ग। आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप होश में नहीं है। मैं हूँ। आप छोड़िए मुझे। सही में चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। मैम छोड़िए आप मुझे प्लीज। मैम आपको शर्म आनी चाहिए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हें? नीति, हुआ क्या है तुझे? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? क्या बिहेव कर दिया मैंने तेरे साथ? और मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे क्या हुआ है? परी तूने देखा नहीं वो मधु कैसे देख रही थी जीजू को? तुझे कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? तू बीवी है जीजू की, कम से कम तुझे तो कुछ करना चाहिए था ना। मैं सिर्फ तुझे समझा सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तू
ऐसे कैसे किसी भी औरत को अपने पति पर बुरी नजर डालने दे सकती है? देख, तू चुप रह के ना सिर्फ उसे बढ़ावा दे रही है। नीति, आराम से बोल, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? कोई सुन लेगा? सुन लेगा तो सुन लेगा, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई तेरे पति को ऐसी गलत नजर से देखे। और तुझे भी ना किसी भी औरत को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो जीजू को ऐसे घूर घूर के देखे। लेकिन नीति, इस बात से तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्या मतलब है तेरा? तुझे क्या लगता है मुझे जलन हो रही है उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे सुनिए नीति, तो पहले शांत हो जाओ और ले पानी पी। मुझे नहीं पीना है पानी। नीति, संजू शड़प, क्या कर रही हैं आप? और प्रूफ क्या करना चाहती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, एक औरत होते हुए आप ये सब कर रही हैं। कहते हैं इज्जत और शर्म औरत का गहना होती है, लेकिन आप तो अपनी इज्जत को नीलाम करने पर उतरी हुई हैं। अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकती ना, तो अपने हस्बैंड के बारे में सोचिए। शेम ऑन यू। संजू देखो, तुम जैसा भी सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है? मैं बहुत नशे में थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, अभी उतर गई। एंड आई एम रियली सॉरी। यू नो आई डोंट केयर। ये लीजिए संजू, मेरी मेडिसिन है वहां पे, प्लीज प्लीज दो। उस ड्रॉअर में मेडिसिन नहीं है। ये I'm feeling better। तू भी पानी पी लो। No thank you, मुझे प्यास नहीं है। नहीं प्लीज पी लो। तुम्हें याद है जब तुम पानी पी रहे थे, मैं आ गई थी, पी नहीं पाए थे। प्लीज पी लो। थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए, बट मुझे पानी नहीं पीना। संजू तुम अगर ये पानी पियोगे ना तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, नहीं तो वो एक गिल्ट रह जाएगा। प्लीज थैंक यू। संजू क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा सर घूम रहा है। आप छोड़िए मुझे। आपने पानी में क्या मिलाया? आपने पानी में गो बैक। आपने मुझे वो जाना है, मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे वो जाने दीजिए। तुझे क्या हुआ है परी? तूने देखा नहीं वो मधु कैसे देख रही थी जीजू को? तुझे कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? तू बीवी है जीजू की, कम से कम तुझे तो कुछ करना चाहिए था ना। दीप, दी अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया, मैं ना आप ही से बात करना चाह रही थी। तू ऐसे क्यों बोल रही है? परेशान है क्या? क्या नीति ने? हाँ दीप, वो नीति। अब क्या किया उसने? उसने कुछ किया नहीं है, बल्कि राशिफ के ना एक क्लाइंट है मिस्टर आलूवालिया, उनकी वाइफ है मधुलिका, वो ना राशिफ को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। पता नहीं नीति को क्या हो गया, वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने मुझसे कहा कि मैं मधुलिका को टैकल क्यों नहीं कर रही हूँ, बस वहाँ खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रही। नीति ने तुझ पे गुस्सा किया इसलिए तू अपसेट है?
मैं नीति से अपसेट नहीं हूँ, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। किस बात का? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नीति के साथ ठीक नहीं किया है। उसे अभी तक नहीं बताया कि उसकी याददाश्त चली गई है। उसकी कभी शादी हुई थी राजीव से, वो प्यार करती थी राजीव से, लेकिन फिर उनका डिवोर्स हो गया और फिर मेरी और राजीव की शादी। मैंने उसे ये सब चीजें छुपा के रखी है। परी, तूने किसी से कुछ नहीं छुपाया है। और ऐसे रोने से क्या होगा? ये बच्चों की तरह रोना बंद करो, मेरी बात सुन। भले ही तेरी शादी नीति के तलाक के बाद हुई है, लेकिन नीति की शादी से पहले तू राजीव के साथ फेरे ले चुकी थी। तो तेरे राजीव पे नीति का हक तो बनता ही नहीं है। ये सब जानने के बाद भी तूने उसे इस घर में रहने दिया, अपना पति उसे सौंप दिया। कि राजीव का दिल नीति के लिए धड़कता है, लेकिन बाद में राजीव को ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसका दिल नीति के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए धड़कता है, और उसने इस बात का पश्चाताप भी किया है। प्लीज परी, ये तो तू बिल्कुल मत सोच कि तू किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही है, किसी के लिए गलत सोच रही है। अपनी खुशी के लिए ना तू राजीव की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती है। और तू मुझे अगर अपनी बड़ी बहन मानती है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। राजीव पे सबसे पहला और आखिरी हक सिर्फ तेरा है और किसी का भी नहीं। और देख परी, अगर गलती से तूने राजीव को नीति के लिए छोड़ भी दिया ना, तो याद रखना राजीव कभी भी नीति से शादी नहीं करेगा। वो भले ही किसी और से शादी कर ले, पर नीति से कभी नहीं। सही कहा आपने दी। एंड आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे ना राजीव पे भरोसा है कि वो किसी और को तेरे अलावा नहीं चाह सकता। प्लीज नीति की खुशियों के लिए इस बार राजीव की जिंदगी से मत खेलना। थैंक यू सो मच दी। तू कुछ और मत सोच और जाके पार्टी एंजॉय कर। ठीक है दी, बाय। ये क्या कर रही हैं आप? आप दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? देखिए मिसेज अहलूवालिया, जो आप कर रही हैं ना, ये गलत है। ये प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वैसे तुम्हारे हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे पता है, तुम ना पहले ऐसे आदमी हो जो मुझे इतना पसंद आया कि मैं यहाँ तक आ गई, और तुम हो के मुझे शर्म हया का लेक्चर देने बैठ गए। स्टॉप इट, स्टॉप इट मिसेज अहलूवालिया। मुझे कोई चीज एक बार पसंद आ जाए, मैं तुम्हारे जितने करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे उतना ही दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। छोड़िए मुझे, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको अरे काम अब चाहती क्या है? ये सब क्यों कर रही है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, और जो तुम कर रहे थे ना उसे अधूरा मत छोड़ो। अधूरा घाव बहुत दर्द देता है। देखो तुम्हें मैं माफ तो नहीं कर सकती अब, और अगर तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो तुम दुनिया को जाके बताओगे कि हमारे बीच क्या हुआ है। लेकिन नहीं, अब ना कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है संजू बेबी, अब मैं दुनिया को बताऊंगी कि हमारे बीच क्या हुआ है। उप्स, सॉरी सॉरी, दिखाऊंगी कि क्या हुआ है। आप बहुत गलत कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं।